टॉपिक इज म्यूटेशन. म्यूटेशन इट्स अ सडन चेंजिंग इन प्लांट आर एनिमल्स ड्यू टू द केमिकल जेनेटिक मटेरियल आर अ केमिकल चेंजिंग फर्स्टली ट्रेस्ड बाय द ह्यूगो डी ब्रीज. सबसे पहले ह्यूगो डी ब्रीज ने 1840 टू 1835 इनका टाइम ड्यूरेशन था और इस टाइम पीरियड में इन्होंने अपने रिसर्च से इसको प्रूव किया कि म्यूटेशन सडन चेंज से होता है. कोई भी वेरिएशन आता है तो वो ड्यू टू म्यूटेशन होता है. और म्यूटेशन थ्योरीज को फिर इन्होंने थ्री पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट है जीन म्यूटेशन, सेकेंड है क्रोमोसोमल एबरेशन एंड थर्ड है जीनोमिक म्यूटेशन. एंड जीन म्यूटेशन अ केमिकल चेंज दैट अकर्स इन द डीएनए ऑफ अ सेल इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन आर अ पॉइंट म्यूटेशन. यू नो सिकल सेल एनीमिया. इन सिकल सेल एनीमिया द हीमोग्लोबिन नेचुरल आर अ नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इट्स कंटेन different types of amino acids and the number 6 genes mutant by the replaced by the glutamic acid replaced by the valine and the 6 in numbers of nucleotides and the chlorophyll deficiency other example of gene mutation. And most important types of gene mutation, it's a frame shift mutation. At cistron, 1 marks question, what is cistron? Change in number of nucleotide in a DNA segment. DNA segment में किसी एक न्यूक्लियोटाइड में अगर चेंजिंग हो जाती है या वो न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है तो वो सिस्ट्रॉन कहलाता है. और या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है कि डीएनए टेम्पलेट में जो भी वो होते हैं ट्रिपलेट कोड्स, ये भी अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोडॉन्स जेनेटिक कोड्स पढ़ेंगे. तो ट्रिपलेट कोड्स में क्या होता है, तीन तीन के सेट्स में ही होते हैं, टीएसी थाइमिन एडेनिन एंड साइटोसिन, सीएटी टीएजी एटीटी, सेगमेंट कुछ भी हो सकता है. तो बेस ट्रिपलेट्स इन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल, ये बेसेस हैं और बेस ट्रिपलेट्स हैं, ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल है. इस डीएनए मॉलिक्यूल से अब या तो इसमें एडिशन हो जाए, कोई एक मॉलिक्यूल ऐड हो जाए कोड, या फिर डिलीट हो जाए. तो ये दोनों ही केस में वेरिएशन के चांसेस हो जाते हैं. तो यहाँ पर एडिशन क्या हो रहा है कि टी ए सी एक सी ऐड हो गया, सी ए टी टी ए जी ए टी टी, मॉडिफाइड बेस ट्रिपलेट बियॉन्ड द साइट ऑफ इंसर्शन. एंड हियर द डिलीशन ऑफ टी मीन्स यहाँ पे टी था एक टी, ये जो है डिलीट हो गया. टी ए सी सी ए टी ए जी AGA TT site of deletion beyond the site of modified base triplet beyond the site of deletion. And in chromosomal aberration, chromosomal mutation involve modification in morphology or structure of chromosomes. Chromosome ke external view mein changing ho jati hai ya wo उनके अरेंजमेंट में चेंजिंग हो जाती है. आर एंड आर यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज अ क्रोमोसोमल एबरेशन. दीज मे बी इंटर आर इंट्रा क्रोमोसोमल चेंज अकर्स सच एज डिफिशियंसी आर डिलीशन, सेकेंड इन्वर्जन, थर्ड डुप्लीकेशन एंड फोर्थ ट्रांसलोकेशन. लाइक दिस डिलीशन मीन्स ये सेगमेंट है क्रोमोसोम्स है ए बी सी डी, ये जीन्स है और जीन्स में केवल सी बी और सी ये दो जो है डिलीट हो जाते हैं अगर, तो ये क्रोमोसोम क्या हो जाता है, इसमें जो
वो है ए और डी, जो बेस पेयर्स होते हैं वो ए और डी होते हैं। फिर दूसरे का तो इसमें डिलीशन हो गया, एक जो है बीच के सेगमेंट डिलीट हो गए। दूसरा क्या है, इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स उलट के लगना, 160 डिग्री एंगल पे रोटेट हो जाना और फिर उलट करके फिर उस क्रोमोस दूसरे सेगमेंट में इंसर्ट हो करके सेट हो जाना। तो ए बी सी डी ये नेचुरल है डीएनए क्रोमोसोम है, और इसमें से सी और डी ये शिफ्ट हुआ और शिफ्ट होकर के इंसर्ट हो गया इस होमोलोगस क्रोमोसोम में। इसको कहते हैं इन्वर्जन, उल्टा, डी ऊपर हो गया सी नीचे आ गया। दूसरा क्या है, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में ए बी सी डी ई जैसे सब में सीक्वेंस वैसे सीक्वेंस है, ये सारे जीन्स हैं, और दूसरा जो है इसका पार्ट उसमें दूसरे होमोलोगस पेयर आप क्रोमोसोम्स में ये नीचे वाला डी ई जो है ये डुप्लीकेट मीन्स फिर से आकर के अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट कंडीशन हो गई। थर्ड नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में ए बी सी डी ई होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ए बी सी डी ई एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक सेट है, दूसरे सेट के क्रोमोसोम्स में ये जाकर के हाफ पार्ट अटैच हो जाता है। तो ये डिटैच हुए और डिटैच होकर के दूसरे क्रोमोसोम्स के होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दूसरे क्रोमेटिड से अटैच हो गए, यानी कि डी ई अटैच हो गया डब्ल्यू एक्स वाई के साथ। तो ये कंडीशन क्या होती है, ट्रांसलोकेशन, शिफ्टिंग वन प्लेस वन क्रोमोसोमल स्पर्मेटिड्स टू अनदर क्रोमोसोमल स्पर्मेटिड्स। अंडरस्टैंड, इतनी बात क्लियर हो गई।